आमतौर पर आपने सुना होगा कि एक नया लेंस मार्केट में आ रहा है या एक नई कैमरा बॉडी मार्केट में आ रही है, पर बहुत ही कम यह सुना होगा कि एक नया लाइट मॉडिफायर मार्केट में आ रहा है। मैंने अपने फोटोग्राफी करियर में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, लेकिन लाइट मॉडिफायर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया। पर जब मैंने एलन क्रोम के लाइट मोटिव के मॉडिफायर्स को देखा तो मुझे लगा कि ये एक फोटोग्राफी स्टाइल को पूरी तरीके से बदल सकता है। लाइट मॉडिफायर का काम होता है लाइट की क्वालिटी को बदलना, मतलब कि उसको सॉफ्ट या हार्ड करना। जितना बड़ा मॉडिफायर होगा उतनी ही सॉफ्ट लाइट आएगी, और जितना छोटा मॉडिफायर होगा उतनी ही हार्ड लाइट आएगी। लाइट मॉडिफायर का दूसरा काम होता है लाइट की शेप को बदलना, जो ज्यादातर आप स्पेक्युलर हाईलाइट्स में या आंखों में आप कैच लाइट में आप देख सकते हैं, कभी वो गोल होगी या कभी चकोर होगी या कभी लंबाई में होगी। लाइट मोटिव 190 का आकार बहुत बड़ा है और इसकी शेप बिल्कुल गोल है। इसकी सोलर स्टिक्स इसको प्रॉपर गोल शेप देती हैं। साइज में बड़ा होने की वजह से जहां एक तरफ आपको सॉफ्टनेस मिलती है, वहीं आपको इसकी पैराबोलिक शेप की वजह से कंट्रास्ट भी मिलता है। और इसका फैब्रिक बहुत लाइट वेट है और बहुत ही रिफ्लेक्टिव है। एक नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स में जितना लाइट आउटपुट होगा उससे 30% एक्स्ट्रा इस लाइट मोटिव 190 या लाइट मोटिव 120 से लाइट बाहर निकलती है। और इसके इनर डिफ्यूजर में सेंटर में डबल लेयरिंग की गई है, जिसकी वजह से एक बहुत ही इवनली लाइट आपको मिलती है। बाकी सॉफ्ट बॉक्स जहां पर सेंटर में हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, वहीं ये सेंटर में डबल होने की वजह से एक बहुत ही इवन स्प्रेड आउट करता है लाइट का। लाइट मोटिव 190 को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ई कॉमर्स फोटोग्राफी में इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको दो लाइटिंग सेटअप दिखाऊंगा, जिसमें एक सेटअप में मैं कैमरा के ऊपर से इसको डायरेक्ट लगाऊंगा और दूसरे सेटअप में मैं लाइट मोटिव को 45 डिग्री के एंगल पर रखूंगा और एक तरफ फिल करने के लिए मैं थर्माकोल का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं लाइट मोटिव को इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो अपने सवालों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सभी सवालों के जवाब दे सकूं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूरेसी, इसलिए मैं अपना शूट शुरू करने से पहले उसका वाइट बैलेंस करेक्ट करता हूँ, उसका एक्सपोजर करेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपना शूट शुरू करता हूँ। जब भी आप शूट शुरू करें, फिर चाहे वो फैशन हो या ई कॉमर्स हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपोजर को यहीं पर करेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आपका टाइम लाइट रूम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।